गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर की ड्राइंग एंड पेंटिंग की आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जोगीमारा गुफा और उसके परिचय, वहाँ के भित्ति चित्र, उसकी खोज और उन चित्रों की विशेषताओं आदि सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हमारा अगला टॉपिक है बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं आज का हमारा नया टॉपिक है, बाघ गुफाएं। सबसे पहले हम इन गुफाओं की स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो सर्वप्रथम आता है बाघ गुफाओं की स्थिति। बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पहले स्थित थीं, किंतु अब ये गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई हैं। सन 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम इन गुफाओं का परिचय तथा विवरण लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने मुंबई से प्रकाशित किया। इन गुफाओं के चित्रों का 1907 से 1908 ईस्वी में कर्नल सी ई लुआर्ड ने इनका निरीक्षण किया, जिससे पुनः ये चित्र संसार के समक्ष आए, संसार के सामने आए और हमें इनका पुनः ज्ञान प्राप्त हुआ। सन 1910 में असित कुमार हलदार ने कुछ रेखा चित्र बनाकर इन गुफाओं में जो चित्र थे उनके कुछ रेखा चित्र बना करके एक लेख के साथ प्रकाशित किया। सन 1925 में मुकुल चंद्र रे ने अपने विचार इस पर प्रकाशित भी किए थे, जिससे भी हमें और भी इन गुफाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद आता है परिचय, बाघ गुफाओं का परिचय। बाघ गुफाओं का नाम वहाँ पर निकट में एक गांव स्थित है जिसका नाम है बाघ, और इसी गांव के नाम पर इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ा। बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग यानी वहाँ के जो लोकल पब्लिक है वह इसे पंच पांडव गुफाओं के नाम से पुकारते हैं। वहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो इन बाघ गुफाओं को पंच पांडव नाम से पुकारते हैं। ये गुफाएं विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बाघ नदी के किनारे स्थित है। जिस क्षेत्र में ये गुफाएं काटी गई हैं वह बाघ नदी से 150 फुट ऊंचा है, लेकिन इस क्षेत्र में रेतीली चट्टाने होने के कारण गुफाओं के निर्माण में बहुत ही असुविधा हुई थी। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं जिसके सम्मुख भाग की लंबाई 750 फुट है। इनमें से जो पहली गुफा है उसका नाम है ग्रह। पहली गुफा का नाम ग्रह है। इसका क्षेत्रफल 23 बाई 14 फुट है। ये गुफा एक कमरे के समान है जिसमें 4 स्तंभ हैं। दूसरी गुफा जिसका नाम पांडवों की गुफा है, ये गुफा एक वर्गाकार चैत्य है जिसके 3 ओर छोटी छोटी कोठरियाँ काटकर बनाई गई हैं। तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना या हस्ती खाना है। जो तीसरी गुफा है उसका नाम है हाथी खाना या हस्ती खाना
यह भी संभवतः आवास के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि इस गुफा की कोठरियों को टेम्परा के चित्रों से सुसज्जित किया गया है। इस गुफा में दो मंडप हैं, यानी दो हॉल बनाए गए हैं। इस गुफा की दीवारों पर बुद्ध पूजा के चित्र बनाए गए हैं, जिससे हमें ये अनुमान होता है कि ये गुफा भी एक चैत्य ग्रह ही थी। चौथी गुफा है जिसका नाम है रंग महल। चौथी गुफा का नाम है रंग महल और इसमें अब भी सुंदर चित्रों के अवशेष सुरक्षित हैं। जो चौथी गुफा है रंग महल, यहाँ पर आज भी हमें बाघ गुफा के सुरक्षित चित्र हमें प्राप्त होते हैं, जो आज भी सुरक्षित हैं। तीसरी और चौथी गुफा के मध्य 250 फुट खुरदरी चट्टानें हैं, परंतु चौथी गुफा पांचवी से और पांचवी गुफा छठी गुफा से भीतर द्वार से अंदर से संबंधित है। यानी चौथी गुफा पांचवी से अंदर के अंदर होती हुई छठी गुफा की ओर जाती है, उसमें अंदर से ही रास्ता बना हुआ है। चौथी गुफा के मध्य का मंडप, यानी जो वहाँ का हॉल है, जो मंडप है, वह 84 फुट लंबा है, 84 फुट लंबा है। यहाँ पर दरवाजों पर कुछ ब्रैकेट्स बने हुए हैं, यानी खाने बने हुए हैं, उनमें मूर्तियाँ हैं। उनमें जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वे सांची की शैली से समानता रखती हैं। पांचवी गुफा 95x44 फुट क्षेत्रफल की गुफा है, जिसमें दोनों ओर स्तंभों की पंक्तियाँ बनी हुई हैं। इस गुफा में छतों, स्तंभों और दीवारों पर टेम्परा चित्र बने हुए हैं, यानी टेम्परा शैली में चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। छठी गुफा में 46 फुट का एक वर्गाकार मंडप या हॉल है, जिसके साथ 5 कोठरियाँ भी काटी गई हैं। सातवीं, आठवीं तथा नवीं गुफाओं के जो विषय हैं उनके बारे में हमें ज्ञान बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि इन गुफाओं की छतें अब गिर चुकी हैं और चट्टानों तथा पत्थरों से जो छतें गिरी हैं उनकी चट्टानों और पत्थरों से यहाँ के दरवाजे बंद हो जाने के कारण अंदर भीतर प्रवेश करने के लिए जो रास्ता है वो लगभग बंद हो गया है, जिसके कारण यहाँ के चित्रों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है। इसके बाद आता है इन गुफाओं का समय, या ये गुफाएं किस समय बनाई गई थी, इन गुफाओं का कालक्रम क्या है। इन गुफाओं में कोई भी ऐसा लेख नहीं मिलता, बाघ गुफाओं में से कोई भी ऐसा लेख प्राप्त नहीं हुआ है जिनसे इस महत्वपूर्ण कला मंदिरों की गौरव गाथा का हमें ज्ञान हो। यानी कोई भी यहाँ से ऐसा लेख या अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ जिससे हमें इसके समय के बारे में ज्ञान हो पाए या अनुमान हो पाए। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो भी इस योग्य नहीं हैं कि उन पर किसी प्रकार का कोई लेख उत्कीर्ण किया जा सके। प्रस्तर, अलंकरण तथा मूर्तियों के निर्माण के लिए ये चट्टानें उपयुक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ की जो चट्टानें हैं वे रेतीली हैं, और रेतीली होने के कारण यदि हम उस पर छेनी हथौड़ी का काम करें तो वह तुरंत ही झड़ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन कार्य यानी खुदाई का काम नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये रेतीली होने के कारण इस काम के लिए उपयुक्त नहीं थी। अतः अलंकरण के अभाव को पूरा करने के लिए जब ये समस्या हुई कि यहाँ पर अलंकरण फिर किस प्रकार से किए जाएं, तो इस समस्या को
या इसको सजाने के लिए या इसको अलंकृत करने का काम किस प्रकार हो, तो जब यहाँ ये देखा गया कि ये चट्टानें रेतीली हैं तो किस प्रकार से इन्हें अलंकृत किया जाए, तब इस काम को पूरा करने के लिए चित्रकला का यहाँ पर प्रयोग किया गया, ना कि मूर्ति शिल्प का या खुदाई का, बल्कि यहाँ के लिए चित्रकला का कार्य ही श्रेष्ठ रहा। इस प्रकार चित्रित प्रमाण ही यहाँ पर लेखों का कार्य करते हैं, यानी यहाँ पर जो भी चित्र है वही यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ के समय के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। उनसे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस समय के चित्र होंगे। केवल यहाँ पर एक स्थान पर क से कबूतर, क शब्द हिरौंजी के लाल रंग से एक स्थान पर अलग से लिखा गया है। वी गेरडे, एक विद्वान थे वी गेरडे के अनुसार प्राचीन लिपि में क शब्द, जो क शब्द है वह छठी से सातवीं शताब्दी के प्रसंग में प्रचलित आया है, और उनके अनुसार यही इन गुफाओं का समय माना जाता है, क्योंकि जो क शब्द है गेरडे के अनुसार छठी से सातवीं शताब्दी में जन्म हुआ था। क शब्द का प्रयोग उस समय, क शब्द प्रयोग में लिया जाने लगा था, इसलिए गेरडे ने यह अनुमान लगाया कि शायद ये यहाँ पर क शब्द लिखा है, इसका मतलब शायद ये छठी से सातवीं शताब्दी की गुफाएं हो सकती हैं, या उस समय की यहाँ पर कला ये हो सकती है। इसके बाद विद्वान स्मित महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी के मध्य का माना, और इन्हें अजंता की पहली और दूसरी गुफा की चित्रकारी के समकालीन बताया। परंतु सन 1929 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई तथा जीर्णोद्धार किया गया, और इसी समय जीर्णोद्धार और जब सफाई का कार्य यहाँ पर चल रहा था, तब उसी समय यहाँ की दूसरी गुफा में, महाराज सुबंधु का एक ताम्र पत्र मिला, जिससे इन गुफाओं के निर्माण का ठीक समय निश्चित हो जाता है। यानी महाराजा सुबंधु का एक लिखा हुआ यहाँ से एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इन गुफाओं का समय निर्धारित किया जा सकता है। इस ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार विद्वानों का अनुमान है कि बाघ की गुफाएं कलयन या कलायन के नाम से उस समय पुकारी जाती थी। इतिहासकारों ने महाराज सुबंधु का समय 416 से 466 ईस्वी के मध्य का माना था। इस प्रकार इस ताम्र पत्र से ऐसा ज्ञात होता है कि ये गुफाएं महाराज सुबंधु के समय में बनकर तैयार हो गई थी, और इस प्रकार इनका निर्माण काल चौथी से पांचवीं शताब्दी के मध्य का माना जा सकता है। अर्थात जो सुबंधु महाराज का जो ताम्र पत्र हुआ, उससे हमें ये ज्ञात होता है, उनके इतिहास को जान यदि हम जाने तो उस समय इतिहास के अनुसार उनका जो समय था, महाराजा सुबंधु के शासन का जो समय था वो था चौथी से पांचवीं शताब्दी, और यहाँ पर ये ताम्र पत्र प्राप्त होने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये गुफाएं लगभग इसी समय में बन करके तैयार हो गई थी। इसके बाद आता है गुफाओं की खोज, इन गुफाओं की खोज कब कैसे हुई। आधुनिक समय में इन गुफाओं की खोज सन 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट टेंसर फील्ड नामक एक वास्तुकलाकार
या वास्तुकला के विद्वान ने की थी। 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड नामक वास्तुकला के विद्वान जो थे उन्होंने इन गुफाओं की खोज की थी। डॉक्टर ई इम्पे ने इन गुफाओं पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित करवाया। इसके बाद सन 1907 से 1908 में कर्नल सी ई लुवार्ड ने इन पर एक पुनः लेख प्रकाशित करवाया, जिसके बाद हमें इन गुफाओं का पुनः ज्ञान प्राप्त हुआ। सन 1910 में असित कुमार हलदार ने बाघ गुफाओं के कुछ रेखा चित्र बना करके एक लेख के साथ प्रकाशित किए, जिससे ये इन गुफाओं के बारे में हमें उन्हें ज्ञान हुआ। 1925 में मुकुल चंद रे ने अपने इस गुफा और इस गुफा के चित्रों पर पुनः विचार प्रकाशित किए। बाघ गुफा अजंता से लगभग 240 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ के चित्र श्रेष्ठ कृतियों के उदाहरण माने जाते हैं। बाघ गुफाएं बुरबुरे पत्थर की थी, इसलिए यहाँ पर मेहनत भी ज़्यादा हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ टच करते ही ये चट्टानें सरक जाती थी, इन पर जो धूल मिट्टी हुआ करती थी वो झड़ जाती थी, जिसके कारण जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि यहाँ पर मूर्ति शिल्प का कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बुरबुरे रेतीली पत्थर की बनी हुई थी। यही कारण था कि इन्हें अलंकृत करने के लिए एकमात्र चित्रकला ही ऐसा जरिया था जिससे इसे अलंकृत किया जा सकता था, और यही कारण था कि यहाँ के चित्रकारों ने यहाँ के कलाकारों ने इसे चित्रकला से ही अलंकृत करना उपयुक्त अधिक समझा। यहाँ पर यही कारण था कि इसे बनाने में मेहनत ज़्यादा लगी, और यही कारण है कि यहाँ के जो चित्र हैं वो क्षत विक्षत अवस्था में अधिक मिले, क्योंकि कुछ चित्र तो शायद बनाते बनाते समय ही झड़ गए होंगे, कुछ चित्र रेतीली चट्टाने हैं इसलिए हो सकता है कि हवा के जोर से भी वे जब हवा बहती होगी तब भी सरकती होंगी, क्योंकि मिट्टी की हैं, और जब कोई पर्यटक वगैरह आदि वहाँ आते होंगे तब भी इनकी विक्षति हुई होगी। साथ ही जब इनका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ होगा या जब इनकी खोज की गई थी उस समय भी इनकी विक्षति हुई होगी। इन चित्रों को देखने के लिए यहाँ पर जो चित्र हैं वे एकदम से सीधी नज़र से नहीं दिखाई देते। जब हम क्योंकि ये चट्टानें रेतीली हैं और उन पर रंग किए गए हैं तो वो शायद उन्हें सोख भी लेती होंगी, रंगों को रंग उनमें समा जाते होंगे, चित्र भी समा गए उसमें। इस यही कारण है। दूसरा, ये जो रेतीली है तो कुछ रेत इन पर हवा के प्रभाव से रेत की पर्दी ऊपर से छा भी जाती होगी। तो यही कारण है कि जब हम ये गुफाएं देखने जाते हैं या इन चित्रों को हम देखने जाते हैं, इनका अध्ययन करने वहाँ जाते हैं, तो इन चित्रों को हमें देखने के लिए सबसे पहले उन चित्रों पर हमें पानी डालना पड़ता है। जब ये चित्र गीले होते हैं तभी वे हमें दिखाई देते हैं, सूखे हम इन्हें नहीं देख सकते। जब पानी के प्रभाव में वे आते हैं तो वो रंग निकल कर आते हैं, चमकते हैं, और तभी हमें वो दिखाई देते हैं, वरना सूखी चट्टानों पर वे उसी में मिक्स हो जाते हैं और क्लियर हमें दिखाई नहीं देते। इसके बाद आते हैं बाघ गुफाओं के चित्र। बाघ गुफाओं के जो सबसे अच्छे चित्र हैं वे चौथी और पांचवी गुफा के बाहरी बरामदे के भीतरी दीवार या गुफाओं के सामने की दीवार पर ऊपर के भाग में सुरक्षित थे।
किंतु बरामदे की छत गिर जाने से यहाँ बने पर्याप्त चित्र अब नष्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जो दर्शक यहाँ पर पर्यटन के लिए आते थे या इन चित्रों को देखने के लिए आते थे, वे भी अपने नाम लिख लिख कर चले जाते थे। ये कारण भी इनकी क्षति पहुँचने के लिए काफ़ी प्रमुख था, जिससे इन चित्रों को बहुत क्षति पहुँची। इसके बाद अलग अलग दृश्य हैं चित्रों के या चित्र हैं जिनका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बाघ गुफा के चित्रों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।